आइए फरमाइश है गुरु महाराज जी की। सत्य और धर्म से उत्प्रोत एक किस्सा आपके बीच में, जिसके कुछ भजन पेश कर रहे हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। आइए सभी से प्रार्थना है कि जब कोई कथा कहीं पर शुरू की जाती है तो पहले एक बार जयकारा गौ माता के नाम का जरूर होना चाहिए। बोले गौ माता की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चे दरबार की जय। एक समय का जिक्र, अवधपुरी में राजा हरिश्चंद्र राज किया करते थे। 99 यज्ञ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने पूर्ण कर लिए। 100वें यज्ञ की तैयारी है। महाराज के धर्म की, सत्य की दूर दूर तक चर्चा हो गई कई लोगों में। बताया कि विश्वामित्र मुनि स्वप्न में आ गए, जिस समय महाराज हरिश्चंद्र जी अपने महल में आराम कर रहे थे, सो रहे थे, तो सपने में ही सारा राजकाज दान में दे दिया। सुबह हुई, स्नान ध्यान किया, उसके बाद में इस बात का जिक्र रानी से किया, रानी मदनावत से। कह रानी, रात एक मुनि मेरी सभा में आए और मैंने वचनबद्ध होकर अपना राजपाट दान में दे दिया। रानी ने समझाया कि महाराज ये तो सपने होते हैं और सपने कभी सच नहीं होते, कोई जरूरी नहीं है, आप अपने राजकाज का काम देखिए, जाइए, दरबार में आपका इंतजार भी हो रहा है। सुबह सुबह का समय, महाराज हरिश्चंद्र जी दरबार में पहुंचे तो वही दृश्य दोबारा सामने आ गया। विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ, साधु को देखते ही अपने स्थान से खड़े हो गए महाराज और उनका स्वागत सत्कार किया, बिठाया, आइए महाराज आपका स्वागत मेरे भवन में। हे राजन, अब आपका कैसा भवन रह गया? अगर अपने सत्य से हटना चाहते हो, धर्म से हटना चाहते हो तो भवन आपका है, और अगर नहीं तो फिर भवन भवन वाले को दे दिया जाए। कि मैं समझा नहीं कि आपने रात में राजपाट मुझे दान में दिया था या नहीं, सिर्फ इतना बता दीजिए। महाराज ने कहा, हां दिया था, तो फिर आप अपना सिंहासन छोड़ दो। राजा शाही वस्त्र उतार दिए गए, सिंहासन छोड़कर महाराज विश्वामित्र मुनि के चरणों में आ खड़े हुए। आदेश, मुझे 60 भार सोना और दीजिए। तो संतरी को बुलाया, संतरी खजाने में से 60 भार सोना निकालो और मुनि को दे दो। हंस पड़े, ताली मार दो। हे महाराज, कैसा खजाना, कैसा राज, क्या बात है? जब आपका राज ही नहीं रहा तो खजाने पे आपका क्या हक रह गया? आपका यहां कुछ नहीं है। रानी मदनावत और पुत्र रोहतास को लेकर राजा हरिश्चंद्र उस कर्ज को, उस भार को उतारने के लिए बाहर निकल लिए। बहुत धन्यवाद। आज अपने आप को कालिया मेहतर के यहां बेच दिया और रानी और पुत्र को रामलाल पंडित के यहां पर बेच दिया। ऋषि का 60 भार सोना दे दिया। उसके बाद अपने अपने काम पर लग गए। एक समय का जिक्र के वर्णा नदी पर वो राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे, आज हरिया है, पानी भरने के लिए चले गए तो वहां पर रानी मदनावत भी पानी भरने के लिए आई थी। किस्से की शुरुआत करते हैं, बोलो सच्चे दरबार की जय। भाई उठाए से घड़ा उठाना, उठाए से घड़ा, रे भाई रे बहुत लगाया जोर, उठाना उठाए से घड़ा, रे भाई रे बहुत लगाया जो, उठाना उठाए से घड़ा, ओ भाई रे बहुत लगाया जो, उठाना उठाए से घड़ा। उठाना उठाए से घड़ा, ओ भाई रे बहुत लगाया जो।
से कुछ चलती नहीं हुई सब तरिया लाचार। फिर यूं सोचे था कड़ा, फिर यूं सोचे था कड़ा, ओ भाई रे मन जगाया जो तू सारा खाए के गड़ा, ओ भाई रे मन जगाया जो तू सारा खाए के गड़ा। आज मेहतर के घर नौकर बन गया क्या हार ची करता, क्योंकि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है और नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। याद करता है कि आज मेहतर के घर नौकर बना तने कहा रची करता, आज प्रभु जी ने प्यार दिया के प्रभु जी ने प्यार दिया के वो भाई रे बहुत लगाया जो उठाना खाए से राज भी छुटा भूमि छुटी पुत्र नार छुटे। आज अपने आप के अपने हालात को देखकर राजा हरिश्चंद्र जी कहते हैं क्या कर्म कोई पिछला हाल खड़ा, कर्म कोई पिछला हाल खड़ा, ओ भाई रे बहुत लगाया जोर उठाना खाए ते घड़ा, ओ भाई रे बहुत रक्षा करो कहे भाटी पर प्रकाश। 30 दिन राजा को अन्न का ग्रास ग्रहण किए हो गए, शरीर में सामर्थ्य नहीं है घड़े को उठाने की। आज परमात्मा के सामने के गुरु ने राम रक्षा करो जो कहे भाटी पर प्रकाश, दास तेरे चरणों में पड़ा, दास तेरे चरणों में पड़ा, ओ भाई रे बहुत लगाया जो उठाना Oh,
भोले सच्चे दरबार की जय, बाबा मोहन राम की जय। इस प्रकार रानी से राजा ने मदद मांगी। हे मदनामत, तू किसी भी प्रकार मेरी मदद कर दे। 30 रोज मुझे अन्न का ग्रास ग्रहण किए हो गए हैं, शरीर में सामर्थ्य नहीं है घड़े को उठाने। समय की बात, रानी ने साफ इनकार कर दिया कि महाराज, मैं तो रामलाल पंडित के यहां पर नौकरी करती हूं और अपने धर्म को नहीं बिगाड़ सकती। मैं अगर आपके घड़े को हाथ लगाऊंगी तो मेरा धर्म बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं आपके घड़े को नहीं छू सकती। इनकार कर दिया। कहते हैं कि घड़े को हाथ लगाने से धर्म नहीं बिगड़ेगा। अगर कोई ऐसी बात है तो वरना नदी है, नहाकर भी इंसान पवित्र हो सकता है। लेकिन साफ इनकार नहीं मारा, मैं आपके घड़े को हाथ नहीं लगाऊंगी। बल्कि एक विधि बता दी कि अगर इस घड़े को उठाना है तो एक विधि मेरे पास है। कैसी? कि आप इस घड़े को लगभग लगभग छाती छाती जल में ले जाओ आगे, और उसके बाद घड़े के नीचे डुबकी लगाकर आप अपने सर पे रख सकते हो। और रानी विधि बताकर चली गई। राजा ने घड़े को उठाया और उठाकर जैसे ही मेहतर के यहां पहुंचा तो ठोकर लग के और राजा गिर गए। आज हरिया जैसे ही गिरे, गिरते ही घड़ा टूट गया। घड़े को फूटते ही लात मार दी कालिया मेहतर ने, जब तेरे बस की नहीं है यहां काम करना। ड्यूटी लगा दी शमशान भूमि में। इधर रामलाल पंडित जी ने तारा रानी को होली के त्योहार पे फूल लाने का हुक्म दिया। विशेष महत्व होता है फूलों की पूजा का, आपको फूल लाने होंगे। तो बागों में फूल तोड़ने के लिए रोहतास कंवर को भेज दिया गया। किस प्रकार कहा, आइए। इतनी सुन के रोहित धाया, चल के बाग बीच में आया। इतनी सुन के रोहित धाया, चल के बाग बीच में आया। इतनी सुन के रोहित धाया, चल के बाग बीच में आया। इतनी सुन के रोहित धाया, चल के बाग बीच में आया। Thank you.
चाई लड़के ने जब दई दुहाई मरते से मोगियो बचाई लड़के ने जब दई दुहाई मरते के लो प्राण बचाई लड़के ने जब दई दुहाई मरते के लो प्राण बचाई सुनी हो रही कोई गात बोचियो मेरा अरे जीते जीते आ जागी मेरी माँ ने कर दो बेरा। मारन ने पूछा कौन है तू क्या तेरा नाम है? रोते हुए बच्चे ने बताया मेरा नाम रोहतास है और बहुत कम समय मेरे पास है। मेरी माँ दुखियारी रामलाल पंडित के यहां नौकरी करती है। अगर मैं मर भी जाऊं तो कम से कम मुझे आके उठा ले या देख ले और जिंदा रहा तो मिलन हो ही जाएगा। आइए सुनिए क्या कहा। ओ मालन कितना कहन फू गई बात मेरी से खबर पहुंची है। मालन कितना कहन फू गई बात मेरी पे खबर पहुंची मालन कितना कहन फू गई बात मेरी पे खबर पहुंची मालन कितना कहन फू गई बात मेरी पे खबर पहुंची मत ना मुझको मरा बताइए मत ना मुझको मरा बताइए मेरी महतारी रामलाल घर रहे दुखियारी मदनावत मेरी महतारी रामलाल घर रहे दुखियारी मदनावत मेरी महतारी रामलाल घर रहे दुखियारी मदनावत मेरी महतारी रामलाल घर रहे दुखियारी पुलिस अधिकारी प्रकाश पुलिस अधिकारी मतला करे आवार बोला हाथ जोड़ के बोला हाथ जोड़ के तू लइए भूल तोड़ के तू लइए भूल तोड़
मेरा त्योहार तू लइए फूल तोड़ के। मदनावत मेरी महतारी, राम लाल घर रहे दुखियारी। बता दिया रामलाल के घर मेरी माँ रहती है, जाकर बता दो। कहा थी वो प्यासे थे समंदर सामने था, और खड़े थे छुप के एक डर सामने था। जला देता मैं दुश्मन की तमाम बस्तियां, मगर मेरे एक दोस्त का घर सामने था। लाचार जाकर बताया मालन ने कि कोई रामलाल पंडित है। हाँ है, उसके घर पे कोई बदरावत नाम की औरत रहती है बाहर आई। कहिए महाराज क्या बात, तुम्हारा बेटा नाम रोहतास बताता है और बागों के बीच में पड़ा हुआ है। कारण, उसको विषयरणी रस लिया। आज कवि ने भजन के माध्यम से बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, सुनेंगे। जैसे ही पता चला बेटे की बात का कि विषयरणी रस लिया है, चंद कैसे बोली सुन के होश भूल गई सारे। ओ बही नैनों से जलधा, अरे मदनावत रानी जब रोई जाते जान रे। मदनावत रानी जब रोई हाय हाय टकरावे।
कर रही तारा तो जब इस दरिया समझावे ओ जब इस दरिया समझावे मन में पकड़ रही तारा तो जब इस दरिया समझावे I'm
चारों तरफ से देख लिया, नमज टटोली। लेकिन यही भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे कि पता चल जाए कि रोहतास जीवित है। सबर नहीं आ रहा, रोते रोते मारन ने खूब समझाया, लेकिन मन है कहां माने। रोती रोती कहती है, ओ खोल जरा रे, खोल जरा तू मेरे रोहित अखियां, खोल जरा ओ मेरे रोहित अखियां, खोल जरा ओ मेरे रोहित अखियां, खोल जरा मेरे रोहित अखियां, खोल जरा मेरे रोहित अखियां, खोल जरा I'm